ओके सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट इज बिटर शीट स्ट्रक्चर ओके इन माय लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ओके प्रेजेंट इन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो सेकेंड मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज बिटर शीट्स ओके हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट थे uh, हमारे पॉलिंग एंड कोरिया उन्होंने ये सबसे पहले प्रोडिक्ट किए थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओके तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बीटा शीट्स एंड आल्सो अबाउट द बीटा टर्न्स बीटा टर्न्स ये भी हमने कॉमनली जो है वो डेफिने टर्म्स जो है सुनी होती है बीटा टर्म्स क्या हैं ठीक है सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीटा शीट्स के बारे में सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बीटा शीट्स ओके सो बीटा शीट्स क्या हैं हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वाई द वर्ड इज़ नोन एज अल्फा हेलिक्स ओके अल्फ़ा हेलिक्स में क्या था कि हेलिकल स्ट्रक्चर में जो है हमारी पॉलीपेप्टाइड uh, चेंज जो है वो अरेंज हो रही है ठीक है कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था ठीक है हेलिकल एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है बट दैट्स वाई द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज आल्फ़ा हेलिक्स अल्फ़ा मीन्स कि Uh, वो एक नेमिंग है जैसे उसको अल्फ़ा हमने नेम uh, दे दिया एंड uh, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसको बीटा नेमिंग कर दी बट डिफरेंस uh, जो कहाँ पे आ रहा है वो हैलिकल स्ट्रक्चर है इट इज अ काइंड ऑफ शीट लाइक स्ट्रक्चर ओके तो हम बीटा शीट की बात करते हैं बीटा शीट में क्या है कि पॉलीपेप्टाइड जो है ना रादर बींग क्वाल्ड इन अ हेलिकल स्ट्रक्चर इट इट एक्सटेंड टू फुल लेंथ मीन्स कि यहाँ पे क्या है एक एक्सटेंडेड ये कन्फॉर्मेशन बनती है इन जिग जेग मैनर हमारे कोई पॉलीपेप्टाइड है तो वो इस तरह से जिग जेग मैनर में जो है फुली एक्सटेंड हो जाती है ठीक है तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बट इसमें वट वट यू मीन बाय बिट्टा शीट वाई द वर्ड इज नोन एज बिट्टा शीट तो हमें पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें सेकेंड्री स्ट्रक्चर ठीक है जब भी हमने डिस्कस किया था हमें पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में वेदर इट इज अल्फा हेलिक्स वेदर इट इज बिटा शीट वेदर इट इज बिटा टर्न दिज ऑल आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो जो मेन यहाँ पे फोर्स जो जो uh, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने में जो कैपेबल है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें बीटा शीट में भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बीटा शीट है फॉर्म होता है तो हमने बोला कि कोई पॉलीपेप्टाइड है ठीक है इस तरह से झिकझ मैनर में ये एक्सटेंड हो जाती है ठीक है तो मैं सेकंड अगर पॉलीपेप्टाइड लूं और उसको भी इस तरह से अरेंज कर दूं ठीक है तो साइड बाय साइड जब ये लाए करते हैं एक दूसरे के सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड उनके बीच में जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म होती है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड जब यहाँ पे फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तब ये जो है एक प्लेटेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है प्लेट्स यहाँ पे बनती हैं प्लेट्स ये शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म होता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को नेमिंग की जाती है बिट्टा शीट या बिट्टा कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन सो so, एक बार फिर से देख लेते हैं कि बीटा शीट या बीटा कन्फॉर्मेशन कब बनती हैं जब हमारे पॉलीपेप्टाइड जो है एक एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में है जिगजेग मैनर में है और वो साइड बाय साइड एक दूसरे के लाए करते हैं और वहाँ पे, आ, इन जो है इंटर मॉलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही हैं उसकी वजह से जो है बिट्टा प्लीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है मीन शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पे क्रिएट हो रहे हैं और इसको बोला जाता है बिट्टा शीट या बिट्टा कंफॉर्मेशन तो एक बार इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे क्या है कि हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज्ड साइड बाय साइड side by side into a zigzag into zigzag polypeptide chain zigzag polypeptide chain polypeptide chain and hydrogen bond are uh, formed between two between them दिस इज द डेफिनेशन डेफिनेशन में क्या हो रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन अरेड बाई द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन दम एंड देन द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ प्लेट्स और शीट एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज बिटा शीट और बिटा प्लेटेड स्ट्रक्चर तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि बिटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या है तो एडजेंट जो सेगमेंट है ना इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है ठीक है ऐसा नहीं है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड का सेगमेंट है इसके बीच में इन इन इस एक सेगमेंट के बीच में नहीं बन रही जब दो सेगमेंट इस तरह से अरेंज हो जाएंगे साइड बाई साइड तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट आर फॉर्मिंग द बिटाशीट लाइक स्ट्रक्चर ओके तो ये इसकी डेफिनेशन जो है हमें क्लियर करनी है वट आर शीट और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम एक इसमें टाइप्स भी जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि टू डिफरेंट टाइप के जो हैं वो बीटा शीट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ बीटा शीट स्ट्रक्चर अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में क्या है वन इजल पैरल बीटाशीट्स ठीक है अनदर वन इज एंटी पैरल बीटाशीट एंटी पैरल बीटा शीट ओके मीन बाई पैरल एंड एंटी पैरल बीटा शीट ठीक तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एंटी पैरल ड्रॉ कर लेते हैं एंटी पैरलर ओके और सेकेंड इज पैरल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ पैरल ठीक तो वड मीन बाय दिस एंटी पैरल एंड पैरल ऑब्वियसली जब हम पॉलीपेप्टाइड जो है वो ड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ पे एक रूल है ठीक है एक रूल है कि उसको हम राइट डाउन करेंगे फ्रॉम एंड टर्मिनस एंड वहाँ पे एंड करेंगे टू वर्ड दी टर्मिनल एन टू सी हम उसकी डायरेक्शनैलिटी जो है वो राइट डाउन करते हैं ठीक है तो एंटी पैरल और पैरल में हम किस तरह से देखते हैं कि मान लो हमारी चेन है ठीक है इसका एंड टर्मिनस जो है यहाँ पे है ठीक है और ये इस तरह से स्टार्ट करती है एंड टर्मिनस इज हेयर एंड दिस इज सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सो इसकी अगर डायरेक्शनैलिटी देखी जाए तो एन टू सी हम राइट डाउन करते हैं डायरेक्शन हम किस तरह से लिखते हैं स्टार्ट करेंगे एन से एन टर्मिनस और एंड करेंगे सी टर्मिनस पे तो इसकी डायरेक्शनैलिटी इस साइड को है ठीक है बट जो सेकेंड जो हमारा सेगमेंट है पॉलीपेप्टाइड का इसकी डायरेक्शनैलिटी जो है इसके रिवर्स में है ठीक है एन टू सी दिस इज एंड टू सी एंड इन दिस सेगमेंट हेयर इट इज़ एंड टू सी सो अगर हम इनकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये अपोजिट हैं ठीक है सेगमेंट क्या है डायरेक्शनैलिटी में अपोजिट हैं तो जब क्या है uh, कि हमारे इस तरह से जब सेगमेंट ये रन करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन उसको बोला जाता है हमारा एंटी पैरल बीटा शीट उसको क्या बोल दिया जाता है एंटी पैरल शीट जब हमारे दो सेगमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं तब उसको बोला जाता है एंटी पैरल शीट नेक्स्ट हम डिस्कस करें अगर पैरल बीटा शीट की बात करें ठीक है पैरल शीट पैरल में क्या है पैरल में क्या है कि जब भी हम डायरेक्शनैलिटी की बात करेंगे ठीक है तो वो सेम डायरेक्शन में होगी पॉलीपेप्टाइड ठीक है वो सेम डायरेक्शन में लाए करेगी मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एंड टर्मिनल्स राइट डाउन करें ठीक है तो सेकेंड सेगमेंट का भी इस साइड क्या है एंड टर्मिनस है एंड दिस साइड इज सी एंड दिस साइड इज सी तो अगर इनकी हम uh, डायरेक्शन देखें तो एन टू सी हम डायरेक्शन शो करते हैं तो एन टू सी इस तरह से एंड एन टू सी तो ये क्या है डायरेक्शन में, में तो जब अपोजिट होंगे पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट डायरेक्शन में देन दिटाशीट इज नोन एज एंटी पैरल और जब ये सेम डेन दिटाशीट इज नोन एज पैरल बिटा शिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाइड्रोजन बॉडम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में जब भी हम एंटी पैरेलल में देख लेते हैं ठीक है यहां पे हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मैं जो है वो बार बार राइट डाउन नहीं करूंगी ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड Uh, कहां पे फॉर्म होते हैं बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम एंड बिटवीन हाइड्रोजन एटम दैट इज अटैच विद नाइट्रोजन अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ओके तो यहां पे भी सेम लॉजिक uh, रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पे कार्बोनिल ऑक्सीजन है यहां पे नाइट्रोजन एटम का हाइड्रोजन अटैच है तो इन दोनों के बीच में क्या बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे देखने को मिलेगी इस तरह से ठीक है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो सकते हैं अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या है ये एक डायरेक्शन में जो है वो सेगमेंट रन कर रहे हैं तो इसमें क्या है इसमें जब भी हम देखते हैं तो किस तरह से हमें देखने को मिलता है मान लो यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन है ठीक है तो यहाँ पे सेक भी इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो लाए करेगा और इसका नाइट्रोजन कुछ इस तरह से होगा ठीक है तो ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बिलो नहीं है ठीक है तो पैरल जब हम पोजिशन देखते हैं तो इनके बीच में आ, अगर मैं हाइड्रोजन इस साइड लिख दूँ ठीक है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरह से बनती हैं ठीक है थीके? इसके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से क्रिएट हो रही है और पैरेलल के केस में इस तरह से क्रिएट हो रही है अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इन दोनों जो बिटा शीट के स्ट्रक्चर हैं इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल है विच वन इज मोर स्टेबल तो अगर स्टेबिलिटी किसके बेस पे देखी जाएगी ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो मैं ये इरेज कर देती हूँ ठीक है अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो विच वन इज मोर स्टेबल तो अगर हम देखें तो एंटी पैरल जो बीटा शीट हैं एंटी पैरल बीटा शीट्स ये जो हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं ठीक है दीज आर मोर स्टेबल मोर स्टेबल हैं ये अब ये स्टेबल क्यों है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं वाई दी एंटी पैरल बीटा शीट्स आर मोर स्टेबल क्यों हैं अगर हम ज्योमेट्री देखें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की ठीक है तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की ये ज़्यादा स्टेबल है ठीक है ये ज़्यादा स्टेबल है बजाय इसके ओके सो यहाँ पे परफेक्ट जो ज्योमेट्री है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वो देखने को मिलती है इन द केस ऑफ एंटी पैरल बीटाशीट दैट्स वाई द एंटी पैरल बीटा शीट आर मोर स्ट्रॉगर दैन द पैरल बीटा शीट तो ये यह यहाँ पे हम जो है वो क्लोज कर देते हैं बीटा शीट्स के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया है ठीक है वॉट आर पैरल एंड एंटी पैरल शीट अब हम नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है मोस्ट कॉमनली हमने ये सुना होता है टर्न्स के बारे में या बिटा टर्न्स जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो बिटा टर्न्स पे हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ठीक है क्योंकि ये बहुत बार टर्म जो है कॉमनली यूज की जाती है और हमें कंफ्यूजिंग भी होती है कि वट आर बीटा टर्न्स क्या है बीटा टर्न्स तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वट आर बीटा टर्न्स या टर्न्स जिनको हम बोलते हैं कॉमनली बीटा टर्न्स बोला जाता है बट वट आर टर्न्स की बात करें अगर हम टर्न्स हैं क्या तो ये क्या है जब हमारे अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर या बीटा स्ट्रक्चर बीटा शीट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हमारे प्रोटीन ने फोल्ड होना है ठीक है तो अल्फा हेलिकल या बीटा शीट कन्फर्मेशन वहाँ को वहां पर देखने को मिलेंगी मोर कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली ठीक है तो वहां पे क्या होता है कि जब हमारी पॉलीपेप्टाइड फोल्ड करती है ठीक है तो वहां पे अल्फा हेलिक्स या शीट जो स्ट्रक्चर है उनको कनेक्ट करने के लिए वहां पे क्या होते हैं टर्न्स होते हैं ठीक तो है तो वट आर टर्न्स? दीज आर कनेक्टिंग एलिमेंट्स क्या ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स? एलिमेंट्स दैट लिंक जो किसको लिंक करते हैं दैट लिंक सक्सेसिव दैट लिंक अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स और दिट्टा कन्फॉर्मेशन ठीक कन्फर्मेशन ओके सो हम ये एक बार देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है एक तो ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं जो किसको लिंक करते हैं रन ऑफ अल्फा हेलिक्स या बिट्टा कन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल हमारा इस तरह से पॉलीपेप्टाइड रन कर रहा है ठीक है ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन है अब इसने क्या है यहाँ पे भी अल्फा हेलिक्स बन रहा है ठीक है तो यहाँ पे जब इस तरह से पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होगा दो अल्फा हेलिक्स से दो से ज्यादा जितने भी वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं ठीक है वहाँ पे कुछ कनेक्टिंग लिंक होंगे तो इस तरह से जब ये बनेंगे ना यहाँ पे एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मान लो ये बन रहा है सेम पॉलीपेप्टाइड में एक में ये जब ये फोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे ये बीच में क्या है इनको बोल दिया जाता है टर्न्स जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं वन अल्फा हेलिक्स को उसके दूसरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वहां पे अनदर अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन हो रही है विद इन पॉलीपेप्टाइड तो उनको कनेक्ट करने के लिए क्या बनते हैं वहां पे टर्न्स बनते हैं। तो उनको बोला जाता है टर्न्स या हम इस तरह से और मोस्ट एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आता है ना टर्न्स में दैट इज़ बिटा टर्न्स ये सबसे ज़्यादा हम हमें देखने को मिलता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी टर्म यूज होती है बिटा टर्न्स बीटा टर्न्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर बीटा टर्न्स टर्न्स तो हमें समझ में आ गया कि वो कनेक्ट कर रहे हैं सक्सेसिव अल्फा हेलिक्स या बीटा कन्फॉर्मेशन को बट वट आर बीटा टर्न्स ओके तो दैट कनेक्ट दी एंड ऑफ टू एडजेंट बीटा टर्न्स जो हैं कनेक्ट करते हैं ओके किस कनेक्ट कर रहे हैं एंड ऑफ टू सेगमेंट ऑफ शीट ठीक है मोस्ट कॉमनली एंटी पैरल शीट एंटी पैरल शीट हम क्या बोल रहे हैं कि बीटा टर्न बीटा टर्न की जब हम बात करें तो हम बीटा शीट में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं इसीलिए मोस्ट कॉमन जो टर्न हैं वो किस तरह के होते हैं बिटा टर्न्स ये आ, अब हम देखें कि वट आर बीटा टर्न है तो ये कनेक्टिंग एलिमेंट ही है बट बीटा मीन्स की वो कनेक्ट कर रहे हैं किसके एंड को बिट्टा शीट्स के सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और एंटी पैरल बीटा शीट्स बनती है ओके okay? और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे कि ये क्या करता है और ये कब बनते हैं टर्न्स एक्चुअली कब बनते हैं जब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है ना वो इस तरह से फोल्ड हो रही है मान लो तो कॉम्पैक्ट फोल्ड कैसे होगा तो डायरेक्शन भी अपना चेंज करेगा तो जब डायरेक्शन चेंज होती है ना तब ये टर्न्स जो हैं ज्यादातर क्रिएट होते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो हम जो है ना जब भी टर्सरी uh, स्ट्रक्चर की बात करेंगे या टर्सरी स्ट्रक्चर हमने देखे होते हैं कई बार ठीक है तो उसमें इस तरह से जो है वो जो है वो बनाए जाते हैं ठीक है ये हमारी मान लो इस तरह से बीटा शीट्स को इस तरह से शो किया जाता है ठीक है और अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं ठीक है इस तरह से दो सेगमेंट में ड्रॉ करूं तो ये क्या है बीटा शीट्स हैं और ये कैसी बीटा शीट्स हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के सेगमेंट हैं और जो आपस में किस तरह से जो है वो लिंक करेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये मैंने क्या ड्रॉ किए एंटी बीटा शीट्स तो ये इस तरह से अगर डायग्राम में दिखे कोई स्ट्रक्चर तो ये क्या है बीटा शीट स्ट्रक्चर जो है वो हम लाइन डायग्राम बोल सकते हैं इनको उनको ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बट जब पॉलीपेप्टाइड <coughs> जो है वो फोल्ड करता है तो मतलब यहाँ पे क्या है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है रिवर्स कर रही है डायरेक्शन तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको टर्न्स टर्न्स यहाँ पे ये क्या है? तो ये क्या क्या है है तो आपस में इन सेगमेंट को जब कनेक्ट कर रहे हैं कौन से जो ये टर्न जो यहाँ पे है ये कनेक्ट कर रहा है इन दो सेगमेंट को जो अपोजिट हैं एंटी पैरल बिटा शीट हैं और इन कनेक्टिंग लिंक्स को क्या बोला जाता है बिट्टा टर्न्स तो इतना समझ आ गया कि एक दूसरे को कनेक्ट करने में हेल्प करें तो ये एलिमेंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही जो एक दूसरे को क्या करता है कनेक्ट करता है ठीक है जब पॉलीपेप्टाइड रिवर्स करती है अपनी डायरेक्शनैलिटी ओके नाउ हम ये हमें समझ आ गया कि बीटा टर्न्स का जो सिग्निफिकेंस क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ठीक है अब हम एक और जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट Point जो है वो डिस्कस करते हैं अबाउट का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है ठीक है तो बने होते हैं बट है किस तरह का स्ट्रक्चर है बीटा टर्न्स का तो ये स्मॉल होते हैं इन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेते हैं ठीक है स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्या है बीटा टर्नस का स्ट्रक्चर क्या है तो ये क्या है इट इनवॉल्व दोर एमिनो एसिड रेजिड्यू ठीक है जब बिट्टा टर्न के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली बिटा टर्न क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है एक तरह का जो कनेक्ट कर रहा है सक्सेसिव अल्फा हेलिक्स या बिट्टा शीट्स को ठीक है तो ये कनेक्ट का एक काम कर रहा है यहाँ पे तो ये किससे बना होता है ये भी ऑब्वियसली हमारे अमीनो एसिड से ही बना होता है, में ही ये देखने को मिल रहा है. तो ये कितने अमीनो एसिड से टर्न मिल, बना होता है? तो की की तो से मिल बनता है फोर एमिनो एसिड ऑब्वियसली दिज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगी विद इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ टर्न तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एमिनो एसिड है ये फोर्थ एमिनो एसिड के साथ क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ठीक है और जो दो सेंटर में अमीनो एसिड होंगे दे आर नॉट फॉर्मिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे और वो किसके बीच में बनेंगे फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में बनेंगे दैट्स ऑल अबाउट दिट्टा टर्न स्ट्रक्चर ठीक है चार अमीनो एसिड से बना होता है स्मॉल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड ओके अब एक और डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है तो अगर मैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ना ये रे डायग्राम या लाइन डायग्राम जिसको बोलते हैं लाइन डायग्राम तो ये क्या है मीन्स मैंने बीटा शीट जो है उसको रिफ्लेक्ट किया है थ्रू दिस लाइन डायग्राम ठीक है इस तरह से अगर मैं ये बनाऊं तो ये क्या है बीटा शीट के स्ट्रक्चर हैं और ये क्या है हेलिकल स्ट्रक्चर है ठीक है तो जब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको कनेक्ट किया है बीटा शीट तो यहाँ पे भी क्या होंगे टर्न्स जो हैं वो टर्न्स देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है बीटा टर्न्स भी बोला जाता है बीटा टर्न्स इन केस ऑफ बीटा शीट बोला जाता है या टर्न्स भी हम सिंपली बोल देते हैं तो ये टर्न होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे के साथ ठीक है सो ये हमें समझ आ जाता है यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम टर्न के बारे में समझ लेते हैं बीटा टर्न्स के बारे में हम बोल रहे हैं कि टर्न जो है कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है turns के बारे में और छोटा सा स्ट्रक्चर है चार अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं ठीक है मोस्ट कॉमन जो अमीनो एसिड यहां पे देखने को मिलते हैं जो बिटर टर्न्स बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं तो ज्यादातर कौन से अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसिन और प्रोलिन ठीक है ग्लाइसिन uh, या प्रोलिन ये ज्यादातर टर्न्स के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं जबकि हमने देखा था अल्फा हेलिकल के स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे ये जो है उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं ठीक है तो यहां पे क्या है बिटर टर्न्स में मोस्ट कॉमनली ग्लाइसिन और प्रोलिन देखने को मिलते हैं वाई ये अमीनो एसिड ही क्यों ज़्यादातर मिलते हैं इसका भी एक रीजन है ग्लाइसिन जो है हमें पता है एक तो ये स्मॉल अमीनो एसिड है और ये फ्लैक्सिबल है स्मॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये फ्लैक्सीबल है जिसकी वजह से जो टर्न्स जो बनते हैं तो ये इजिली क्रिएट हो जाते हैं अगर वहां पे ग्लाइसिन है प्रेजेंट है ओके okay? प्रोलिन की बात करते हैं प्रोलिन के बारे में हमने बात की थी कि एक रिजिड रिंग स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है प्रोलिन के केस में बट यहाँ पे ये हेल्प करता है क्यों हेल्प करता है ये टाइट टर्न जब हम बना बनाता है ठीक है टाइट टर्न जब बनते हैं पॉलीपेप्टाइड में तो प्रोलीन जो है वहां पे हेल्प करता है ठीक है इसमें क्या है रिजिड स्ट्रक्चर है इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जो सिस कन्फर्मेशन में होता है ज्यादातर ठीक है सिस कन्फर्मेशन जो है इसकी इसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है उसकी वजह से वहाँ पर टाइट टर्न्स बनते हैं ठीक है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बिट्टा टर्न्स में ज़्यादातर कौन से अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे ग्लाइसिन एंड प्रोलिन ये हमें माइंड में रखना है तो दैट्स ऑल अबाउट द बिटा टर्न्स ये हमने जो है वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं ठीक है जितना हमें पता होना चाहिए वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं अब एक हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स ठीक है ओके तो एक और पॉइंट यहाँ पे जो है वो बनता है कि जब हम बोल रहे थे कि अल्फा हेलिक्स में जब अमीनो एसिड एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे लाया करते हैं 1.5 पॉइंट जब यही बिट्टा के बिट्टा शीट जो स्ट्रक्चर जब बनता है ठीक है तो इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे अमीनो एसिड जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं तो एक अमीनो एसिड जो है वो नेक्स्ट अमीनो एसिड से ठीक है किस डिस्टेंस से सेपरेट होगा दैट इज 3.5 पॉइंट ठीक है जो कि अल्फा हेलिकल के केस में 1.5 पॉइंट था ठीक है तो वही सेम नमेरिकल यहाँ पे ले लेते हैं नमेरिकल था कि कैलकुलेट कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट लेंथ अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड ठीक है हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है जो कि टू जीरो सॉरी वन जीरो फाइव एमिनो एसिड लॉन्ग है कितनी भी हो सकता है ठीक है और वो किस स्ट्रक्चर में है इफ इट इज इन फुली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फुली एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन में है अगर ठीक है फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन किस में है शीट्स में वो जग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन तो हमें एक लेंथ निकालनी है ठीक है तो ऑब्वियसली जब हम बीटा शीट की बात करते हैं हमने बोला यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक अमीनो एसिड से दूसरे का कितना है 3.5 तो आंसर क्या होगा 105 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री 3.5 को तो ये टोटल आ जाता है 367 367. फाइव एंगस्ट्रॉम इतना लेंथ हमारा टोटल बनेगा पॉलीपेप्टाइड का ठीक तो, uh, है तो कुछ ये बिल्कुल सिंपल है इसमें बस हमें क्या याद रखना है ये डिस्टेंस जो है वो माइंड में रखना है कि जब अमीनो एसिड बीटा शीट एक एक्सटेंडेड एक है ऑब्वियसली तो ये इसका uh, कितना डिस्टेंस होता है एक अमीनो एसिड से दूसरे का दैट इज थ्री पॉइंट फाइव एंगस्ट्रॉग एंड दैट्स ऑल अबाउट द बीटा शीट्स कन्फर्मेशन एंड द बीटा टर्नस ओके मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड द Next video, you will get the notification. Thanks for watching.